रहीम अस्सलाम वालेकुम मुझो प्यारो बारो चाय वाला है वहाँ जो उम्मीद है ता तमाम वट सब खैरियत ऐं सुख सां दो बारो असी पांजो पहरियों ने बेव असाइनमेंट मां हमद जी बुलंद फानी करियों पाण सुगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बुलंद फानी करियों ऐं बेव असबाब जो मश मुकम्मल कंदो आहे बेव असाइनमेंट मां ऐं तव्हांखे ग्रामर जो होमवर्क सेंड कंदो आहे ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हांखे ॿियो पहिरियों ऐं ॿियो असाइनमेंट चङी तरह सम्झ में ईंदो हुओ ऐं तव्हां हिन असाइनमेंट जो कमु मुकमल कंदो आहे ॿारो हीअ असांजो टियों असाइनमेंट आहे ऐं टियों असाइनमेंट मां सबक नंबर टियों जी बुलंद फानी कंदो आहे ऐं हीअ असांजो सबक नंबर टियों आहे हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी महिमान नवाज़ी। हज़रत अली की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, आज हम इनकी शख्सियत के बारे में इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इस्लामी तालीम ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी तरबियत पाण सगुरन जी साथियन थी तमाम घणो असर कियो। इस्लामी तालीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साथियों पर गहरा असर रखती है। जिन माटन इस्लाम कबूल कियो तिन जा सुठा गुण पाण वडे चमकिया। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी तमाम नेक आदात बड़ी मशहूर थी। इन्हन मुसलमानन की हर वक्त अल्लाह ताला जी रज़ामंदी जो ख्याल हुंदो। इन मुसलमानों को हर वक्त अल्लाह ताला की रज़ामंदी का ख्याल होता था। वो को बा कम दीनवी मतलब लाए को ना कंदा आया। वो कोई भी काम दुनियावी मतलब के लिए नहीं करते थे। इन्हन जो दिलियों कुर्बानी की जज्बे सान भरपूर होंदी हुयूं। इनके दिल कुर्बानी के जज्बे से भरपूर होते थे। वो पंजी गुर्जन की तारीबा बेअन ज़रूरतमंदन की मदद करण था। वो अपनी ज़रूरतों को हटाकर भी दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। मदद करण लाए हर वक्त तैयार रहंदा हुया। मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इन्हनि जो अमल अल्लाह ताला की ॾाढो पसंदि आयो। उनका ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद था। क़ुरान मजीद में अहिड़नि सखियन जी तारीफ़ इन तरह बयान कयल आहे। क़ुरान मजीद में ऐसे सखियों की तारीफ़ इस तरह बयान की है। सखी वही आहन जेकी माटन की अल्लाह जी खुशनुदी हासिल करण लाए कराएं था कि सखी वो है जो लोगों को अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए खिलाता है। आइनन का कादी जी एवज काबा कीमत नता वटन और इस खाने के एवज वो कोई भी कीमत नहीं लेता। आइन की इनन की तोड़ो तकियन था और ना ही इनको एहसान जताता है जी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हज़रत अली का चैप्टर है तो लिहाजा उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, खल्क की खिदमत। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है चैप्टर कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेंगे तो अल्लाह तो अपने हकूक़ माफ़ कर देगा लेकिन ये जो मखलूक के हकूक़ है ना इनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला उस इंसान से बहुत खुश होता है जो कि इंसान ज़ात के साथ हमदर्दी यकजहती और मोहब्बत का इजहार करता है, उसके दुख में उसके खुशी में शरीक होता है। खुशी में आप एक वक्त नहीं भी शरीक हो लेकिन किसी के दुख में अगर आप शरीक हो जाते हैं तो वो बस आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप उसके लिए कितना अच्छा काम कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। और जो कि इंसान ज़ात और इंसान ज़ात के साथ हमदर्दी और यकजहती करता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है। और एक दूसरे की भलाई का सोचने वालों को जो जो अपनी ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते दूसरे की ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं उनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ऐसा ही है। आते हैं अपने चैप्टर की नेक्स्ट पेज की तरफ। होने यार सब सहाबी एक भाई का वडे एक सखी है मेहमान नवाज है। वैसे तो सब सहाबी एक दूसरे से बढ़कर मेहमान नवाज थे पर हज़रत अली करम अल्लाह वजह पंजो मर्द पाण हया। लेकिन हज़रत अली करम अल्लाह वजह अपने आप में एक थे। अड़ा केतरा ही मौका थिया जो संदस आधो खाधो आंदो वेहो ऐं पाण या खाइण वारा ई हूंदा हुया। ऐसे कितने ही मौके आए जो आपके आगे खाना आता था और वो खाने वाले भी सिर्फ आप अकेले ही होते थे ता को ना को मुसाफिर या मेहमान अच्छी नकरंदो और कोई ना कोई मुसाफिर या मेहमान आ जाता था। अड़ी हालत में पाण भुखिया रही आओ खादो मेहमान की कराई
खुश थींदा आया। ऐसी हालत में आप खुद भूखे रहते थे और वो खाना मेहमान को खिलाकर खुश हो जाते थे। हिक पैरी वटण घर में कायण लाए काबा शह मौजूद का न गई। एक मर्तबा घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। पाण किन्हन यहूदी जी बाग में मजदूरी करण वया। आप किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करने गए। पूरी जी एवस केन कतल मिली। मजदूरी के एवस कुछ सब्जी मिली। इन माँ कुछ कतल वक्ती सैदो वटी आया। इसमें से कुछ सब्जी जो है वो घर ले आए। जिधन खाजो थी तैयार थियो। जब खाना तैयार हुआ तिधन एक मेहमान अची नकतो। तो एक मेहमान आ गया। पाण आओ समूरो खादो मेहमान की कराई। आपने वो पूरा खाना मेहमान को खिलाया। पंजन बारन की बाकी बची बचियल कतल कायण लाए रिनाउन। और अपने बच्चों को बाकी बची हुई सब्जी खाने के लिए दी। इन मौके थी फरमायों था अल्लाह जो शुक्र आए। इस मौके पर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जो मुँह की एतरी मजदूरी मिली। आई आओ संदस तरफा मोकलियल मेहमान जी खिदमत करी सके और मैं अपनी तरफ से मेहमान की खिदमत कर सका। हिक पैरी आयन बात यो जो पाण जवन की सुकल मानी कदाएँ। उन पर ताज़ी स्टिपी मानी हिक मेहमान की कराएँ। एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि आपने दो दिन की सूखी हुई रोटी खा रहे थे और ताज़ी और अच्छी रोटी घी वाली रोटी मेहमान को खिलाई। हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी मेहमान नवाजी वाली इन्हें सिफ्त करी। हज़रत अली करम अल्लाह वजह की मेहमान नवाजी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के अन करीम सड़ी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको करीम कहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो आए था दुनिया में सखियन जा चार किस्म आहन के दुनिया में सखियों की चार अकसाम है जिनमें सबका उत्तम दर्जे वाले सखी की करीम सरजी। तो जिसमें सबसे ऊंचे दर्जे वाले सखी को करीम कहा जाता है। करीम आहो शख्स आए। करीम वो शख्स है जेको पाण भुखियो ओहियो रही पर बा मुसाफरन मेहमान अतीमन बेवान की खादो खे खाराइंदो आई पानी पीराइंदो। जो के खुद भूखा रहता है करीम वो शख्स होता है जो कि खुद भूखा रहता है लेकिन आने वाले मेहमानों मुसाफिरों यतीमों और बेवाओं को खाना खिलाता है और पानी पिलाता है। असांजो फ़र्ज़ आए तो इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजन ही मिस्कीनन जी पर घोर लाऊं। हमारा फ़र्ज़ है कि इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजों और मिस्कीनों की मदद करें जी। खल्क की खिदमत एक ऐसा अमल है जिसको अगर सही तौर से किया जाए तो इंसान की जो अजमत है ना वो बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला भी उस इंसान की जिम्मेदारी ले लेता है फिर जो उसकी कुल कायनात को खुश रखता है। कुल कायनात से मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ ठीक है। एक तो आप अपने परवरदिगार की अताअत करते हैं और दूसरे उसी परवरदिगार की बनाई हुई मखलूक से प्यार कर रहे हैं तो क्या होता है अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होता है। ऐसा ही है ना ठीक है। हुकूक़ अल्लाह में कोई कभी पेशी और कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देगा लेकिन हुकूक़ुल इबाद में कोई कमी पेशी या कोताही हो गई तो अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं फरमाएगा ठीक है ना। इंसान अल्लाह ताला जो है वो कादर मुतल्लक है जो चाहे माफ़ कर सकता है लेकिन वो अपने बंदे को बताता है कि देखो जन्नत में जाने का कितना आसान रास्ता हमारे पास मौजूद है। क्या खल्क की खिदमत। वो तो अपनी इबादत अपनी खिदमत के लिए उसने ढेरों ढेर फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। हमें क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है कि सिर्फ आप लोगों के साथ भलाई करो मैं आपको जन्नत में दाखिल करूँगा। खल्क की खिदमत भी बस वही समझ सकता है जो इंसान तब तमाम लोगों से मोहब्बत करता है जिसको इज्जत और एहतराम का पता होता है ना। ये सब चीज़ें वही समझ सकता है। वो हर किसी के हुक्म की तामील करता है सबकी ख्याल रखता है ठीक है ना। दूसरों के बच्चों से भी उसी तरह प्यार मोहब्बत से पेश आता है जिस तरह अपनी औलाद से पेश आता है ठीक है ना। जिस तरह यहाँ आपको बताया गया है कि आप मखलूक से मोहब्बत कीजिए अल्लाह की बनाई हुई इसी तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक से ख़ुद भी बेइंतहा प्यार करता है
ठीक है ना, छोटी छोटी से नेकियों से हमारी खुश हो जाता है अल्लाह ताला और हमें बहुत सा इनाम से नवाजता है ना। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मखलूक की खिदमत है वो कितनी ज़रूरी है। आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। सवाल नंबर एक, सखियन जी कुरान मजीद में केड़ी तारीफ के लाए, पेज नंबर 8 जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस पेज पर आइए। लाइन नंबर 1 से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लाइन के एंड में जाइए, लिखा हुआ है सखी वही आहे वही आहन जे की माठन की अल्लाह जी खुशनुदी हासिल करण लाए करायन था आइनन का खादे जे एवस का बा कीमत नटा वटन आई नकी इनन थी तोड़ो तकियन था। ठीक है जी, यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। सवाल नंबर 2, हजरत अली करम अल्लाह वजह केड़ी तरह मेहमानन की संभाल कंदा आया, पेज नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 1 लाइन नंबर 1 से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 4 लाइन में लिखा हुआ है पाण भुखिया रही आओ खादो मेहमान की खराई खुश थींदा आया। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जीम, क्वेश्चन नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी सखावत बाबत छा फरमायो आहे, पेज नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ नंबर 4 की लाइन नंबर 1 से लगाइए, हज़रत अली करम अल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी मेहमान नवाजी वारी इन्हीं सिर्फ करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अन करीम सडियो आहे। क्वेश्चन नंबर दाल 4, असां की घर जायन जी केड़ी तरह मदद करण घुर्जे, पेज नंबर 9 के सबसे लास्ट में आ जाइए, लिखा हुआ है असांजो फ़र्ज़ आए त इस्लामी तालीम जी रोशनी में मोहताजा नहीं मिसकीरन जी पर गोड़ लहून। ठीक है, पेज नंबर 10 पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेटनल, सवाल नंबर 2 में हेटनल लफ्जन माँ मुनासिब लफ्ज़ चवंदी ख़ाल भरे हो पाण किनन यहूदी जी डैश में मजदूरी करण वे अबा ओरे जी एवस के एंड डैश मिली कतल इन माँ कुछ कतल वक्ती डैश वटी आया से दो जिडन खादो तैयार थियो तिडन एक डैश अची नकतो मेहमान। ठीक है, ये दो अल्फाज आपके ऑप्शंस में दिए हुए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। सवाल नंबर 3, एटियान लफ्ज पंजन जुमलन में इस्तेमाल करियो मेहमान नवाजी ज़रूरतमंद कुर्बानी मोहताज करीम। अच्छा जी, कुछ न्यू बुक्स हैं उसके अंदर जुमले होंगे और कुछ के अंदर नहीं होंगे। मेहमान नवाजी हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी मेहमान नवाजी मशहूर है, जुमला नंबर 1। नंबर 2, ज़रूरतमंद असांखे ज़रूरतमंद माण्हू जी मदद करण घुर्जे, जुमला नंबर 2। जुमला नंबर 3, असांजी अल्लाह ती राह कुर्बानी कंदो आई अल्लाह जी राह ती कुर्बानी कंदो असां ते फ़र्ज़ आहे, सॉरी। जुमला नंबर 1, हज़रत अली करम अल्लाह वजह जी मेहमान नवाजी मशहूर है। नंबर 2, असांखे ज़रूरतमंद माण्हू जी मदद करण घुर्जे। नंबर 3, असांजी अल्लाह ती अल्लाह जी राह ती कुर्बानी कंदो असां ते फ़र्ज़ आहे। नंबर 4 क्या है, मोहताज, मोहताज का जुमला है असांखे चाहियूं ता मोहताज ऐं ग़रीबन माठण जी पर गौर लहून। और करीम का जुमला है अल्लाह साईं करीम आहे। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये जुमले समझ में आ गए होंगे। आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम के 3 अशारों की तशरीह लिखिए। ठीक है, 3 अशारों की तशरीह से मुराद आपको एक्सप्लेन करना है तशरीह की सूरत में, समझाने की सूरत में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हवाला है शायर, पहले शेर उतारेंगे, शेर कहाँ से कहाँ तक है, दड़ी तू बनाए अजबी खुदाई सदा तू की साई थी सोनीन बढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
हवाला शायर की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे ही सबक असांजी सिंधी किताब मां, ही नज़म असांजी सिंधी किताब मां वरतल आए, ऐं ही नज़म जी शायर जो नालो हाफिज़ मोहम्मद अहसन आए। अभी सिर्फ सुनिए, सिर्फ समझिए, मैं इसकी तशरीह आपको जब लिखवाऊंगी जब लिखिएगा, ठीक है। ये हमने हवाला शायर लिखा, दड़ी तू बनाए अजब ही खुदाई, तशरीह की हेडिंग, समझाड़ी की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन शेर इन बेत में शायर अल्लाह ताला जी सारा कंदी छवि तो था, ए अल्लाह साईं तू अजब ही खुदाई बणायूं, तू वड्डो सोनी आए, अल्लाह साईं तू इन दुनिया में लुत्फ वटंदो तायूं नज़ारन पैदा कियो हो, इन दुनिया की ॾाढो सुठो बनायो हो, ठीक है जी। ये एक शेर हो गया आपका, बस मैं आपको समझा रही हूँ अभी फ़िलहाल, जब आपको इन रिटर्न करवाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक अदद मज़मून जो कि आपको मैंने समर वेकेशन में दिया था, समर वेकेशन के उस मज़मून को मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमारा समर वेकेशन इन रिटर्न गया था, लिहाजा मैं आपको ये मज़मून नहीं समझा सकी थी, लेकिन अब मैं ये मज़मून आपको समझा सकती हूँ, ठीक है ना। हमें मौका मिला है, अच्छा है, ये मज़मून समझने तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं पेपर में भी दूँगी आपको, ठीक है। आचार जो डीनन हो, इतवार का दिन है, गर्मी बा डाढ़ी है, गर्मी भी काफ़ी थी, असांजा तमहीदी इम्तिहान थी व्या है, हमारे फाइनल इम्तिहान भी हो गए थे, बिल्कुल फारिग थी व्यासी, बिल्कुल फारिग थी व्या यासी, हम बिल्कुल फारिग थे, जैस ताइन वरी पढ़ाई शुरू थी, असा हम क्लासी दोस्तन चाहियो, जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो हमारे हम जमात दोस्तों ने चाह पेई तो थोड़ो घूमन करण थी वही कि कुछ घूमा फिरा जाए, जहन ताज़ा थी वींदो इम्तिहानी थकबा लही वींदो, जहन भी ताज़ा हो जाएगा और इम्तिहानी थकन भी उतर जाएगी, ऐसा दोस्तों ना हो सोची कि क्लिफ्टन जी सर जो प्रोग्राम ठायो, हम सब दोस्त ये सोचकर क्लिफ्टन की सैन का प्रोग्राम बनाया, जेको असां बाहो घट खर्च आई जल्दी में मुमकिन बाहो, जो हमारे लिए कम खर्च और जल्दी में भी मुमकिन था, आई वालदेन की परेशानी बाना थी दी और वालदेन की परेशानी भी नहीं थी, असां कुछ दोस्तन थी वगी मंझन घरान निकरन जो प्रोग्राम ठायो, हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनके घरों से निकलने का प्रोग्राम बनाया, सब ठीक वक्त ही एक दिन जमा थियासी, सब ठीक वक्त पर एक जगह जमा हो गए, उतां असां बस थी वेहण बजा, एक टैक्सी थी क्लिफ्टन रवाना थियासी, वहाँ हमने एक बस के बजाय एक टैक्सी पर क्लिफ्टन रवाना हुए, अध कलाक जी अंदर असां के टैक्सी वारी सदो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्ला जी मज़ार वट पहुँचायो, आधे घंटे के अंदर हमें टैक्सी वाले ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर पहुँचाया, असाम बा मज़ार थी दुआ पढ़ी, नयन अडियल पार्क डानन आयासी, हमने भी मज़ार पर दुआ पढ़ी और नए बने हुए पार्क की तरफ आ गए, टिकट वटी अंदर दाखिल थियासी, टिकट लेकर अंदर दाखिल हो गए, डाढ़ी खूबसूरत सर सब्स पार्क थी लई, बहुत खूबसूरत और सर सब्स पार्क था, वीण लाए बेंचून टियल हुयून, बैठने के लिए बेंचें बनी हुई थी, अंदर मुख्तलिफ जानवरन जा वड्डा कदावर मुजस्मा बा बारन जी दिलचस्पी लाए ठेल लिया, और अंदर बड़े कदावर मुजस्मे भी बच्चों की दिलचस्पी के लिए थे, असा कुछ घड़ियों उत्ते गुजारी पोए झूलन तरफ आया सी, हमने कुछ वक्त वहाँ गुजारा और फिर झूलों की तरफ आ गए, जेकी नयन अदावट आई सटाव सा पहरियान का तमाम बेहतर नमूने ठेल हया, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर नमूने में मौजूद थे, तादाद में बा घड़ा आया, तादाद में भी ज़्यादा थे, ता मैार खूबसूरती में बा वडेक है, और मैार और खूबसूरती में भी बहुत
ज़्यादा थी। कुछ घड़ियूं उत्ती गुआारी मुख्तलिफ़ झूलन थी चढ़िया ही शोर डसी पोए असा समन दानन रवाना थे असी। कुछ घड़ियाँ वहाँ गुजार कर मुख्तलिफ़ झूलों पर चढ़ कर और शो देख कर हम वहाँ से समंदर की तरफ का रुख किया। उते असा की शाम थी वही वहाँ हमें शाम हो गई। काफ़ी रश ही काफ़ी रश था कि माणू पानी में वहंजी रहा हया। कुछ बच्चे पानी में नहाते रहे था कि वरी उठण ही घोड़न थी सवारी करी रहा हया। और कुछ घोड़ों और ऊँट की सवारी करते रहे कि काई पी रहा हया। कुछ खाते पीते रहे था कि वरी लगड़ अटाई रहा हया। कि दूरबीन थी भरी कहाँ ईंदड़ वेंदड़ जहाज डसी रहा हया ताकि वरी गाय नची रहा। कुछ दूरबीन से आने जाने वाले जहाज़ों को देखते रहे और कुछ गाय और गाते और नाचते रहे। असां बतफरीन तकरीबन हर शय जो लुत्फ़ वरतो हमने भी तकरीबन हर शय का लुत्फ़ उठाया। घट असां बा का ना कही आखिर में थकजी एक होटल थी वही चाँ बेई पी कुछ देर वही वापस पंजी घर डालन रवाना थिया। सो हमने भी तकरीबन हर शय का लुत्फ़ उठाया फिर हम थक गए। आखिर में हम थक गए और एक होटल पर चाय पीकर कुछ देर बाद वापसी के लिए रवाना हुए। सच पूछो तो इन डीना असा की ढाडो मज़ो आयो। सच पूछो तो मुझे इस दिन बहुत मज़ा आया। असो समूरों थक लही वो हमारी तमाम थकर उतर गई। असा तारो ताज़ा थी वियासी आराम से शाम जो घर पहुँची वियासी। हम तरो ताज़ा हो गए और आराम से शाम में घर पहुँचे। उम्मीद है मुझे यकीन है बल्कि कि आपको ये मज़मून अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे ग्रुप पर बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़मून दोबारा समझा दूँगी या आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ। यमान।